फिर एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि जैसे ही OIC स्टार्ट हुई तो उसके उससे पहले यू का एक डेलीगेशन इंडिया कश्मीर पहुंचा और वहां पर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी सबसे बड़ी मिसाल आपने आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें ओ का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यू वो कश्मीर बैठा है क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज वो कश्मीर का सी बात है वो कश्मीर का, का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारियां वो बहुत बड़े बड़े प्राचेट वहां पे कर रहे हैं ओ पहले मैं उस पहले बात क्या करूं मैं आलिया जो मेरी ऑब्जर्वेशन ओ आई सी का क्या है एक मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी पैरल टू यूनाइटेड नेशन जो कि कोशिश ना काम है वो एक सऊदी टूल बन चुका है इससे अलावा कुछ भी नहीं है सऊदी प्रेपोकेंडा टूल दैट्स व्हाट इट इज उसको टर्की के साथ भी इश्यूज हैं उनको इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज हैं मलेशिया के साथ भी उनको इश्यूज हैं और वो अगर सऊदी विल के बगैर आप कोई भी बात करें तो ओ आपको वहां से बाहर निकाल देती और एक ओ आपको ना फलस्तीन पर डिलीवर कर सकी कुछ ना कुछ भी वो ना बर्मा में कुछ डिलीवर कर पाई ना वो सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाई ना वो कश्मीर के बारे में कुछ कर पाई तो उसको बुला के एक, 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 एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जहां के लोग से में पिस रहे हैं जो दो वक्त का खाना नहीं खा रहे आप उन टैक्स पेयर का पैसा जो है इतने लोगों को बुलाएंगे और आपने आज से महीना पहले दो महीने पहले बुलाया था एक डॉलर भी आपको देकर नहीं गए तो उनको बुला के इतना जबरदस्त इस वक्त ओ को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं पाकिस्तान में आने का आपने कहा कि सर दो वक्त का खाना जहां पर जो है वो देने की आपको फिक्र करनी चाहिए तो तो उसका एजेंडा देख लीजिए उन्होंने रखा है कि इस्लामा पैलेस्टीन कश्मीर ये सब कुछ और असल जो मसाइल है हमारे वो तो इससे कहीं बहुत मुख्तलि है ना देखिये यहाँ वाशिंगटन डीसी तक चीखे पाक, गरीब पाकिस्तानियों सुनी जा सकती है, लेकिन इस्लामाबाद वाले उनके कानों में सीसा जा, जा चुका है यही एक सबसे बड़ा अलमिया है यही सबसे बड़ा अलमिया है कि डॉलर 200 तक जाने वाला है और इनको जिनकी इन आमदनी डॉलरों में पाउंडो में है उनके आ, वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं अभी जो मैं दो हफ्ते जो आपने आंखों से देख कर आया हूं मैं ड्राइवरों से पूछता रहा हूं वेटरों से पूछता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी के क्या हालात हैं और वो उनके चेहरे देख कर हूं उनके आंसू देख कर हूं मैं अफसोस वाली बात है कि हमारे जो रिया मदीना का सबसे बड़ा ठेकेदार है मिसाल दे देता है बुलूम बर्गी और उसको महंगाई भी नजर नहीं आ रही उनको महंगाई नजर नहीं आ रही वो बातें करते वो मिसाल देने शुरू कर देते हैं तो वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन की मिसालें देते हैं भाई उर्दू में बात करो उनको लोगों के साथ यार अब देखें किस तरीके से यू टर्न मार गया अब इस्लाम सिर्फ इस्लामोफोबिया फोबिया और यार खाने को कुछ मुंह में पेट में होगा तो इस्लामोफोबिया की बात होगी मैं इससे पहले कि ओआईसी के बारे में डिटेल में जाऊं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि ओआईसी के अंदर अफगानिस्तान के फॉरन नहीं आ रहे कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है ये पाकिस्तान को दूसरी तरफ दूसरे तरीके से सनप्त करने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के लिए आपने पिछली दफा ओ का इजलास कराया है वो लोग ना सिर्फ आपकी ओ आई सी में नहीं अच्छे तरीके से शमूलियत कर रहे बल्कि मुसलसल आपकी सरहद के ऊपर अमले कर रहे हैं ये आपकी फॉरन पॉलिसी ये फ्लियोर है आपकी पॉलिसीज़ के लेकिन आपके आपके माथे पर बल ही नहीं है इस वक्त आपको आपको ये नहीं पता मैं बल्कि दो तीन चीजें और जो थी वो मेंशन करना चाहूंगा साहब के भारत के इंडिया भारत साथ फॉरेन पॉलिसी कंपैरिजन पर जापान के जो प्रीमियर गए किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट एक तो उस ऐलानी में पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो अच्छा। पा, ये पाकिस्तान ने जिक्र हुआ उस हमारी जो जापान और इंडिया का उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ जापान से नहीं हुआ तो ठीक है ये फॉरेन ऑफिस जाने और हम हम तो उस पे एनालिसिस कर सकते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होगी इस पे लेकिन वो नहीं हुई एक बात एक सवाल उठ रहा है और वो ये कि इस बात के امکانات हैं कि चाइना के वजीर ए जो पाकिस्तान आए हैं वो चाइना जिसके साथ 2020 से इंडिया डिस्प्यूट में जा चुका है ठीक है क्या फॉर्म लेते हैं आगे मामला वो हम नहीं जानते लेकिन इंडिया और भारत के दरमियान एक्सकलेशन नहीं हो रही जो कि बहुत दुनिया के लिए और खत्ते के लिए बहुत अच्छी चीजें एक्सक्लेशन नहीं हो इसमें रुकी हुई चीजें लेकिन जो पेशरफ हुई है यूक्रेन के बाद पोस्ट यूक्रेन ये दुनिया का पूरी ग्रैंड स्ट्रेटजी चेंज हो गई है इस बात के इमकान हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें वजी खारजा और जयशंकर बेजिंग जाए इस बात के इम्कान पैदा हो गए हैं यानी चाइना के इंडिया और इंडिया के वजर खाल चाइना और फिर अगर यह मामला आगे बढ़ गए जो इस वक्त ट्रैक टू बैकग्राउंड में बात चल रही है तो फिर विंडो खुलेगी जिसके इम्कान जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे और वो दौरा करेंगे अगर ये कामयाब होती है बैकडोर जो इंडिया चाइना के दरमियान चल रही है ठीक है और ये अगर होता है तो फिर वो दौरा करेंगे उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ब्रिक्स वो है जो ब्राजील इंडिया रशिया चाइना और उसको उसमें फिर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स जो ब्रिक्स फोरम है उसकी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दौरा करें वहां का